Hello students, I'm Sonika Rumbam and today I'm here to teach you SST of class 3 and this one is lesson number 12 and today's topic is Chennai. So today we will learn about Chennai and under this comes location and climate, that means the location and climate of Chennai, then government offices which are in Chennai. Then economy, utility services and transport service of Chennai. Then people, culture and food of Chennai. Famous buildings, places and beaches in Chennai. And amusement parks, shopping malls and market. So under this Chennai we will learn about all these things. So let's start. Chennai. Chennai, Chennai, Chennai. Chennai is in India, as you all know, आप लोग को पता ही होगा चेन्नई इंडिया पे है ना? So let's talk about Chennai, ठीक है? Capital of Tamil Nadu. Chennai is the capital of Tamil Nadu. Tamil Nadu के राजधानी है चेन्नई. और चेन्नई का पुराना नाम, old name है मद्रास. इसे मद्रास कहा जाता था. इसका पुराना नेम है ना, अभी तो कितना न्यू चेंज नेम चेंज हो रहा है. पुराने नेम को देखे, पुराने नेम के प्लेस पर न्यू नेम आ रहा है ना, और इसलिए मद्रास है चेन्नई का पुराना नेम और चेन्नई है नए नेम, ठीक है. देन चेन्नई इज द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी. इंडिया पे तो कितना बड़ा सिटी है ना, और इसमें से चेन्नई फोर्थ लार्जेस्ट सिटी में आता है. एंड मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड एन इम्पोर्टेंट पोर्ट. सो चेन्नई क्या है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है चेन्नई, ठीक है. इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटी है एंड इट इज वन ऑफ द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी. एंड अपार्ट फ्रॉम द मेट्रोपॉलिटन सिटी इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पोर्ट. बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट है ना, क्योंकि ये जो चेन्नई है ये इंडिया के पेनिनसुला है यहाँ पर, और यहाँ पर है और इसीलिए यहाँ पर बहुत सी मिलेगा ओशन से, है ना, और इसलिए यहाँ पर भी पोर्ट है. पोर्ट क्योंकि यहाँ पर पोर्ट अवेलेबल होता है जहाँ पर सीज एंड ओशन से, है ना, इसलिए अवेलेबल होता है, इसलिए इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पोर्ट. डिवाइडेड इंटू टू पोर्ट्स. देन चेन्नई इज डिवाइडेड इंटू टू पोर्ट्स, दो भाग में बटा हुआ है. नंबर वन इज ओल्ड सिटी जॉर्ज टाउन. सो नंबर वन इज ओल्ड सिटी एंड द नेम इज जॉर्ज टाउन. और ये जो है वो वेस्ट ऑफ द पोर्ट में है, पोर्ट के वेस्टर्न भाग में है. और नंबर टू है अदर पोर्ट टूवर्ड्स द साउथ ऑफ जॉर्ज टाउन. ये रहा वेस्ट में नंबर वन एक पोर्ट है ना, और ये नंबर टू पोर्ट रहा साउथ पर है, ठीक है. तो ये रहा चेन्नई, चेन्नई का कैपिटल और उसका पुराना नाम. और ये कैसा सिटी है, सिटी टाउन है ना, तो ये सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और ये फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है इंडिया के. और ये इसे छोड़ के इसके इम्पोर्टेंट पोर्ट्स भी हैं. और ये जो पोर्ट्स है वो दो भाग में डिवाइड हुआ है, और एक रहा वेस्ट पे है ना वेस्ट, और दूसरे रहा आप लोग का साउथ में है ना, जॉर्ज टाउन के वेस्ट, और दूसरा रहा जॉर्ज टाउन के साउथ में. तो ये रहा आप लोग का चेन्नई. तो अब हम देखेंगे चेन्नई का लोकेशन, ये कहाँ पर है चेन्नई, और इसका क्लाइमेट, चेन्नई का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है. लोकेशन एंड क्लाइमेट देखेंगे आज हम चेन्नई के. सो लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट फेसिंग द बे ऑफ बंगाल. जो ये चेन्नई है, चेन्नई कोरोमंडल कोस्ट पर है, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट के जहाँ पर लोकेट हुआ है. और ये जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल पर फेस किया हुआ है, ठीक है. एंड ये जो ये तो पोर्ट पोर्ट यानी कि पेनिनसुला इंडिया जो है वहाँ के बगल पे है ना, और बे ऑफ बंगाल ही फेस करते हैं. इसलिए आप लोग को पता ही होगा जब पहले लैंड मास डिस्कवर करने लगे और डिफरेंट डिफरेंट रीजन से ट्रेडर्स इंडिया और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पर जाने लगे, उस वक्त ये जो पोर्टुगीज ट्रेडर्स है, पोर्टुगीज ट्रेडर्स
फर्स्ट ट्रेडर सुकेम्ड इलिया वो 16th सेंचुरी पर यहाँ पर आए थे ना, यहाँ पर आए थे और उसके बाद डच आए थे और ब्रिटिश। तो पहले आया था वो था पोर्टुगीज, देन उसके बाद आया डच और उसके बाद आया ब्रिटिश। वो कब आया था? 16th सेंचुरी पर आया था पोर्टुगीज डच सब। सब पहले पोर्टुगीज आए थे 16th सेंचुरी पर और उसके बाद आया था डच और उसके बाद आया था ब्रिटिश। तो ये रहा इसका लोकेशन कहाँ है ना। तो अब हम देखेंगे क्लाइमेट। नाउ लेट्स मूव टू द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई। क्लाइमेट इज वार्म एंड वेरी ह्यूमिड इन समर्स एंड रेनफॉल इन विंटर्स। ये जो क्लाइमेट है चेन्नई का वो बहुत वार्म है, वार्म एंड वेरी ह्यूमिड। वार्म एंड वेरी ह्यूमिड कब होगा? समर्स पर होगा। वार्म एंड ह्यूमिड समर्स पर होगा। और ये जो रेनफॉल है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये जो रेनफॉल का स्पेलिंग होता है ये रहा आप लोग का, ये नहीं होता है, स्पेलिंग होता है आप लोग का RAINFALL रेनफॉल, ठीक है। तो समर्स पर आप लोग का क्लाइमेट होता है वार्म एंड वेरी ह्यूमिड। और ये जो रेनफॉल होता है विंटर्स पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल विंटर्स पर ही होता है चेन्नई में। तो फिर एक बार हम फिर से लिखेंगे लोकेशन एंड क्लाइमेट। चेन्नई कहाँ पर है? चेन्नई कोरोमंडल कोस्ट पर है और बे ऑफ बंगाल पे मुड़ा हुआ है चेन्नई। और चेन्नई पे पहली बार पोर्टुगीज ट्रेडर्स आए थे वो भी 16th सेंचुरी में, और उसके बाद आया था डच एंड आफ्टर दैट ब्रिटिश। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई, इट इज वार्म एंड वेरी ह्यूमिड इन समर्स। गर्म महीने में बहुत वार्म होता है और वेरी ह्यूमिड भी होता है। और रेनफॉल कब होता है? विंटर्स पर। विंटर्स में बहुत ज़्यादा बारिश होते हैं चेन्नई पे, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ऑफिसेस ऑफ चेन्नई, बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक ऑफ द मैप ऑफ चेन्नई। ये रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा चेन्नई है ना, चेन्नई यहाँ पर है। ये रहा इंडिया का पेनिनसुला, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सी है, यहाँ पर अरबियन सी है, इधर पे है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, ये चेन्नई, और चेन्नई बे ऑफ बंगाल पर मुड़ा हुआ है, ठीक है। ये रहा चेन्नई का लोकेशन। तो अब हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफिसेस, कैसा कैसा ऑफिसेस है गवर्नमेंट ऑफिसेस, ठीक है, सरकारी दफ्तर यानी कि सरकारी ऑफिसेस देखेंगे। ऑल मेजर ऑफिसेस ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन चेन्नई। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफिसर्स लिव इन चेन्नई। ये जब हम सरकारी दफ्तर देखेंगे चेन्नई का, ये जो भी मेजर बहुत जरूरी ऑफिसेस है ना वो सब तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है। और ये जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस है ये सब ऑफिसेस ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट एलोकेट इन चेन्नई। ये जो भी मेन गवर्नमेंट ऑफिसेस है तमिलनाडु का वो चेन्नई पर लोकेटेड है, ठीक है, चेन्नई पे लोकेटेड है। वन ऑफ द मेजर, ऑल द मेजर ऑफिसेस ऑफ तमिलनाडु चेन्नई पे है। एंड द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स, जो भी मंत्री है वो सब कहाँ पर रहता है? चेन्नई पे रहता है, ठीक है, चेन्नई। ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसर्स लिव इन चेन्नई। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस, सो ऑल द मेजर ऑफिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसेस तमिलनाडु का चेन्नई पे है। और ये जो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स एंड मेनी मिनिस्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर ऑल्सो, दे ऑल्सो लिव इन चेन्नई, ठीक है। So now let's talk about the economy, utility services and transport services of Chennai. ठीक है, इकोनॉमी यानी कि पैसे है ना, क्योंकि गवर्नमेंट
पैसे किसे देते हैं पब्लिक एरिया को और कहाँ कहाँ पर खर्चा होता है, किस चीज़ पर खर्चा होता है ना, वो सब देखेंगे। एंड यूटिलिटी सर्विसेज जो हम यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है ना, ये सब यूटिलिटी सर्विसेज में देखेंगे जो पब्लिक को दिया जाता है ना। और उसके बाद देखेंगे ट्रांसपोर्ट सर्विस, क्योंकि हम इधर से उधर जाने के लिए हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, यानी कि यातायात है ना। और यातायात का सर्विस यानी कि ट्रांसपोर्ट सर्विस कैसा है चेन्नई का, वो देखेंगे। फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर हम इकोनॉमी में बात करेंगे तो यहाँ पर देखेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि इकोनॉमी पर आते, क्योंकि पैसे मिलते हैं इससे, ठीक है, पैसे और ये जो ट्रांजेक्शन होता है, क्योंकि इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब यानी कि इकोनॉमी, पैसे है ना, द वर्ड इकोनॉमी इटसेल्फ मींस मनी है ना। तो फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चेन्नई इज फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ऑल द इंडस्ट्री अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑल द इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को छोड़ के ऑल द इंडस्ट्री जो चेन्नई पे है वो रहा आप लोग का ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक्सेट्रा, और इसे छोड़ के बहुत सारा इंडस्ट्री है। पर इतना बहुत सारा इंडस्ट्री में सबसे फेमस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। दो देर आर मेनी इंडस्ट्रीज बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस इन चेन्नई। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बस सर्विसेज रन बाय मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ चेन्नई। ये जो चेन्नई का बस सर्विसेज है वो देखता है मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ चेन्नई। बस सर्विस जितना भी है चेन्नई पे ये सब देखता है मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ चेन्नई, और ये है, और ये सब सरकारी है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑन है, ठीक है, गवर्नमेंट देखता है ये सब, प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट है ये सब। और वैन्स पॉपुलरली कॉल्ड मैक्सी कैब्स एंड इट रन लाइक बस सर्विसेज। ये जो वैन है चेन्नई पे बहुत ज़्यादा वैन चलता है, ठीक है, बस जैसे ही वैन चलता है चेन्नई में, इसीलिए वैन्स को मैक्सी कैब भी बोला जाता है, और ये बस जैसे ही चलते हैं। और ये इन सब को छोड़ के जो हम पानी पीते हैं, जो चेन्नई के लोग पानी पीते हैं, वो सब देखता है चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई देखते हैं, ठीक है, पब्लिक एरिया पर, ये जो इतना बड़ा सिटी है इसका पानी का सप्लाई तो होना चाहिए ना। जिस तरह से ये गवर्नमेंट बस सर्विस देखते हैं थ्रू मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ चेन्नई, इसी तरह से पानी देखते हैं चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पीपल कल्चर एंड फूड, वहाँ की संस्कृति कैसा है, वहाँ पर क्या खाता है, और वहाँ का इंसान कैसा बैठता है, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। हिंदुइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी फॉलोड बाई दी पीपल, ये जो चेन्नई का पीपल है वो हिंदुइज्म भी फॉलो करते हैं, इस्लाम भी फॉलो करते हैं एंड क्रिश्चियनिटी भी फॉलो करते हैं जो चेन्नई पे रहता है, ठीक है। और जब हम लैंग्वेज के बाद लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो कौन सा लैंग्वेज बोलता है चेन्नई में, ठीक है, मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज कौन सा है, तमिल एंड इंग्लिश। सो जो चेन्नई पे रहता है वो हिंदुइज्म भी है, इस्लाम भी फॉलो करते हैं एंड क्रिश्चियनिटी भी फॉलो करते हैं, और वहाँ का इंसान बोलते हैं तमिल एंड इंग्लिश लैंग्वेज, दो लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और यहाँ का जो कल्चर देखा जाए, संस्कृति देखा जाए चेन्नई का, तो वहाँ पर देखेंगे पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक एंड डांस बहुत फॉन्ड है इन लोग को, चेन्नई में जो रहता है इन लोग को म्यूजिक एंड डांस बहुत पसंद है। और ये जो म्यूजिक है वो रहा डिस्को म्यूजिक नहीं, जो हम सुनते हैं ना डिस्को म्यूजिक और जो हिंदी म्यूजिक है वो सब नहीं, ये इनका मेन म्यूजिक है कर्नाटिक म्यूजिक, ठीक है। और वो जो डांस है वो रहा भरतनाट्यम, ठीक है, एरा गेरा डांस नहीं, भरतनाट्यम जो आप लोग करते हैं ना, एरोबिक डांस है ना, ये सब नहीं है, वो करते हैं भरतनाट्यम। और देखिए यहाँ पर भरतनाट्यम कैसे डांस करा है, यहाँ पर भरतनाट्यम आप लोग यहाँ इमेज पर भी देख सकते हैं, है ना। तो ये रहा पीपल कल्चर, ठीक है, ये रहा पीपल एंड कल्चर कैसा रहा। तो अब हम देखेंगे
चेन्नई के फूड भी और कल्चर और ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर है पोंगल, इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल है पोंगल, बहुत ज़्यादा मनाया जाता है चेन्नई में, ठीक है। और पोंगल जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, पोंगल है ना। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं पोंगल कैसे मनाया जा रहा है। और ये जब पोंगल की बात करेंगे, पोंगल क्यों मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल ओवर देयर आर ऑल्सो फार्मर्स, है ना। और ये जो पोंगल है, पोंगल में सन गॉड यानी कि सूर्य देव है ना, एंड इंद्र गॉड, ठीक है, इंद्र इंद्रदेव जो है उन लोग को प्रे करते हैं पोंगल में, और उन लोग को थैंक्स एज इट इज़ एज अ थैंक्स गिविंग सेरेमोनी, ठीक है। और भगवान को प्रे करके थैंक बोलते हैं क्योंकि उन्हीं के वजह से इतना अच्छा फसल हुआ, इसीलिए पोंगल मनाया जाता है चेन्नई में। और पोंगल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल। और पोंगल के अलावा और भी फेस्टिवल चेन्नई में मनाया जाता है, और वो रहा दिवाली। हम सब लोग मनाते हैं दिवाली, है ना। और रहा क्रिसमस, क्रिसमस विंटर्स में मनाया जाता है। और रहा ईद, क्योंकि वहाँ पर इस्लाम भी फॉलो करते हैं ना, क्रिश्चियनिटी भी फॉलो करते हैं, हिंदुज़म भी फॉलो करते हैं। सो हिंदुज़म दिवाली, क्रिश्चियनिटी क्रिसमस, एंड इस्लाम जो फॉलो करते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं ईद, ठीक है। तो अब हम फूड देखेंगे, कैसा फूड खाते हैं चेन्नई के वो देखेंगे। सो द पीपल हु लिव इन चेन्नई ईट इडली, इडली खाते हैं, है ना, और डोसा खाते हैं, उपमा खाते हैं, रसम खाते हैं, वड़ा खाते हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ खाते हैं, ठीक है। और ये जो राइस है, राइस यानी कि चावल है ना, चावल है, स्टेपल फूड है, सब खाता है चावल, ठीक है, डे टू डे लाइफ में चावल ही खाते हैं। और इसे छोड़ के रहा खाना फूड, इडली डोसा उपमा रसम एंड बड़ा, और इससे भी बहुत ज़्यादा। तो अब हम देखेंगे चेन्नई के फेमस बिल्डिंग्स, प्लेसेस एंड बीचेस, कौन कौन सा फेमस बिल्डिंग्स है जहाँ पर आप लोग घूमने के लिए जाओगे, है ना, ये सब हम देखेंगे। इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन फोर्ट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये जो एसटी है, एसटी सेंट है, ठीक है, सेंट को शॉर्टकट में एसटी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है, ये इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर्स जहाँ पर पूजा करते हैं, वो रहा आप लोग का कपिलेश्वर टेम्पल एंड पार्थसारथी टेम्पल, ठीक है, पार्थसारथी टेम्पल एंड कपिलेश्वर टेम्पल है, ये रहा इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर्स। और ये लोग और ये जो प्लेसेस है रिलीजियस सेंटर्स, वो गोपुरम के बहुत फेमस है, दे ऑल आर नोन फॉर देयर गोपुरम, ठीक है। और ये गोपुरम क्या है, ये जब हम गोपुरम देखेंगे तो गोपुरम ऐसा होता है जो टेम्पल्स होता है चेन्नई पर, है ना, और चेन्नई के बाहर ऐसे जो गेट होता है, ऐसे पिरामिड जैसे कुछ ऐसा गेट होता है बड़ा बड़ा, है ना, ऐसे बड़ा बड़ा होता है ये टेम्पल, रहा टेम्पल का जैसे एरिया स्टेयर्स है, और इतना बड़ा बड़ा होता है ना, जो बाहर पिरामिड जैसे, अंदर रहा टेम्पल, और अंदर तो टेम्पल होगा और बाहर जो ऐसा होता है ना पिरामिड जैसे, इसे बोलते हैं गोपुरम, ठीक है। जितना भी आप लोग टेम्पल देखोगे उसके बाहर जो एंट्रेंस होता है वहाँ पर पिरामिड जैसा होता है, ठीक है, और अंदर भी टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है वो होता है पिरामिड जैसा, और इसे ही बोलते हैं गोपुरम। सो कपिलेश्वर एंड पार्थसारथी टेम्पल इज नोन फॉर देयर गोपुरम। मेनी ओल्ड चर्चेस लाइक सेंट मेरीज चर्च, और इसके अलावा टेम्पल्स के अलावा चर्च भी है, और वो चर्च एक में से है सेंट मेरीज चर्च, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द म्यूजियम, गवर्नमेंट म्यूजियम
फर्स्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया। और जो म्यूजियम के बारे में हम बात करेंगे चेन्नई में, वो रहा गवर्नमेंट म्यूजियम, जो फर्स्ट म्यूजियम है, पहला म्यूजियम है इंडिया का, वही है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अदर टूरिस्ट अट्रैक्शन कौन सा है? नेशनल आर्ट गैलरी, ठीक है, नेशनल आर्ट गैलरी है। और दूसरा है आप लोग का स्नेक पार्क, यहाँ पर देखिए स्नेक पार्क है ना, ये रहा स्नेक पार्क, ये रहा नेशनल आर्ट गैलरी, और ये रहा आप लोग का गवर्नमेंट म्यूजियम। तो अब हम देखेंगे गांधी मंडपम, और ये रहा गांधी मंडपम, ये भी है घूमने के प्लेसेस, वेरी नाइस प्लेस, दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस। ये रहा गांधी मंडपम, और दूसरा है सेंट थॉमस कैथेड्रल, ये है सेंट थॉमस कैथेड्रल, ठीक है। और दूसरा है एनिजुलॉजिकल पार्क, ये है एनिजुलॉजिकल पार्क, चेन्नई का फेमस पार्क है ना। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस टेम्पल्स एंड चर्च म्यूजियम, और उसके बाद आता है बीचेस। बीचेस आर द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन, इसे छोड़ के बीचेस बहुत इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्यों? यहाँ पर मरीना बीच जो है, मरीना बीच MARINA मरीना BEACH बीच इज द मोस्ट पॉपुलर, मरीना बीच बहुत मोस्ट पॉपुलर है चेन्नई में, जो जितना भी बीच है मरीना बीच बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसे छोड़ के BGP गोल्डन बीच है ना, इलियट एंड कोवलन बीच आर द अदर फेमस बीचेस, ये भी मरीना बीच को छोड़ के इतना सारा भी बीच है। और ये जो BGP गोल्डन बीच है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे जाते हैं और यहाँ पर खेलते हैं, यहाँ पर टॉय ट्रेन भी है बच्चे के लिए, ठीक है, BGP गोल्डन बीच पे। तो उसके बाद देखेंगे हम अम्यूजमेंट पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स एंड मार्केट, ठीक है, अम्यूजमेंट पार्क्स यानी कि घूमने जाने के लिए पार्क्स है ना, और शॉपिंग मॉल्स शॉपिंग करने के लिए, आप लोग को शॉपिंग पसंद ही होगा है ना, सामान खरीदने कपड़े खरीदने के लिए, एंड मार्केट, ठीक है। तो ये देखेंगे हम पॉपुलर अम्यूजमेंट पार्क्स आर किष्किंधा, दास एंड प्लस डॉल्फिन सिटी एक्सेट्रा। सो पॉपुलर अम्यूजमेंट चेन्नई का रहा आप लोग का किष्किंधा, दास एंड स्प्लैश एंड डॉल्फिन सिटी, ठीक है, ये रहा आप लोग का पॉपुलर अम्यूजमेंट। और उसके बाद शॉपिंग मॉल्स आर, शॉपिंग मॉल्स के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पर है स्पेंसर प्लाजा, गोल्डन मॉल, सिटी सेंटर, फाउंडेशन प्लाजा, शॉपिंग मॉल्स रहा ये सब, ठीक है। शॉपिंग मॉल्स इतना सारा है, इसीलिए तो चेन्नई को बोला जाता है पैराडाइज ऑफ शॉपर्स, ठीक है, क्योंकि हम इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है और सब लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं पैराडाइज ऑफ शॉपर्स। और नेक्स्ट देखेंगे हम माउंट रोड हैज सेवरल एम्पोरियम, एम्पोरियम यानी कि यहाँ पर शॉप होता है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सामान जो भी आप लोग को चाहिए वो सब मिलता है, ठीक है, उसे बोलते हैं एम्पोरियम। सो इंडिया सिल्क, इंडियन सिल्क साड़ी फ्रॉम कांचीपुरम आर अवेलेबल एट प्रोमिनेंट मार्केट प्लेसेस ऑफ मईलापुर एंड पौंडी बाजार एट टी नगर। और ये जो एम्पोरियम है उसके अलावा जो सिल्क साड़ी है वो महंगा होता है सिल्क साड़ी, और सिल्क साड़ी कांचीपुरम की सिल्क साड़ी कहाँ पर मिलते हैं? मईलापुर एंड पौंडी बाजार एट टी नगर। सो ये रहा आप लोग का चेन्नई, ठीक है। तो आज हमने देखा चेन्नई कहाँ पर है ना, चेन्नई नीचे कोरोमंडल कोस्ट पर है इंडिया के, और उसके बाद चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, और चेन्नई के जो बस बस जैसे को टैक्सी चलता है ना, और इसे मैक्सिकैब भी बोलते हैं, थोड़ा सा वैन्स चलता है, वैन्स बस जैसे वैन्स चलता है, और इसे मैक्सिकैब भी बोला जाता है। और ये जो चेन्नई का पानी है वाटर पब्लिक का, वो चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई देखता है, और ये जो ट्रांसपोर्ट है वो देखता है मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ चेन्नई। और उसके बाद है कि यहाँ का पीपल मोस्टली फॉलो हिंदुइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी है ना। और ये जो यहाँ का पीपल्स है वो लोग ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं,
एंड क्रिसमस भी मनाते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दे सेलिब्रेट पोंगल. ठीक है, पोंगल एक थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है वहाँ जहाँ पर इंद्रदेव यानी कि इंद्र गॉड इंद्रदेव और सन गॉड यानी कि हम सूर्यदेव भी बोलते हैं उन लोग को थैंक्स किया जाता है क्योंकि उन्हीं की वजह से इतना अच्छा फसल हुआ, इसलिए थैंक्स गिविंग करके वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. और यहाँ के लोग खाते हैं इडली डोसा अवरा रसम उपमा और इसके अलावा बहुत ज़्यादा खाने वाला खाना है चावल. चावल बहुत ज़्यादा खाता है यानी कि राइस. और इसके अलावा रहा फेमस बिल्डिंग भी है और फेमस बिल्डिंग में चर्च आता है, गवर्नमेंट म्यूजियम आता है और घूमने के लिए और रिलीजियस सेंटर्स भी आता है, टेम्पल्स है ना. और टेम्पल्स गोपुरम के लिए बहुत फेमस है. गोपुरम का मतलब आगे जो पिरामिड जैसा होता है, टेम्पल के आगे जब आप टेम्पल पर एंट्री करते हो उसके आगे जो पिरामिड जैसा होता है और टेम्पल का जो भी से पिरामिड टाइप का होता है उसे बोलते हैं गोपुरम. ठीक है, एंड आफ्टर दैट चेन्नई और गवर्नमेंट म्यूजियम, वन ऑफ द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया कहाँ पर है, चेन्नई पे है. और एनी जूलॉजिकल पार्क भी है और ये जो एनी जूलॉजिकल पार्क है वहाँ पर 170 स्पीसीज ऑफ मैमल्स बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स भी पाया जाता है. और उसके अलावा बीच बीच बहुत फेमस है चेन्नई एंड मरीना बीच बहुत फेमस है. और मरीना बीच को छोड़ के बच्चों के लिए VGP गोल्डन बीच भी है और दूसरा बीच भी है और बहुत ज़्यादा बीच है. और जब हम अम्यूजमेंट पार्क के बारे में बात करेंगे एंड शॉपिंग मॉल्स के बारे में बात करेंगे तो अम्यूजमेंट पार्क्स में आएगा किष्किंधा है ना, पॉपुलर अम्यूजमेंट पार्क किष्किंधा. और शॉपिंग मॉल्स यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स है, इसीलिए चेन्नई को पैराडाइज फॉर शॉपर्स भी बोला जाता है. और इसके अलावा वहाँ पर बहुत फेमस माउंट रोड में एक मार्केट भी है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सामान मिलता है. और उसके बाद पौंडी बाज़ार भी है जहाँ पर पौंडी बाज़ार पर सिल्क मिल्क भी सिल्क साड़ी भी पाया जाता है. ठीक है, तो ये रहा आप लोग का आज का लेसन नंबर 11 चेन्नई पार्ट 1. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.